गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 में हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, और उसमें प्रश्नावली चल रही थी अपनी 2.2। 2.2 प्रश्नावली का जो है हम सवाल नंबर 7 तक कर चुके थे। सवाल नंबर 8, 3 लगातार पूर्णांक लो और उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करें तो योगफल 74 प्राप्त होता है, पूर्णांक बताओ क्या है। माना, मैं सीधा हल चालू कर रहा हूं, माना 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः छोड़ो, पहला पूर्णांक एक्स, दूसरा पूर्णांक या इसके लगातार पूर्णांक एक्स प्लस एक, आप माइनस भी ले सकते हैं। लगातार पूर्णांक में क्या है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। लगातार पूर्णांक क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब लगातार पूर्णांक है। ऐसे ही -1, -2, -3, -4 लगातार पूर्णांक है। 99, 98, 97 लगातार पूर्णांक है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। 3 पूर्णांक ले रहे हैं हम, तो हम आरोही क्रम में ले रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं। और तीसरा पूर्णांक क्या हो गया हमारा? एक्स प्लस एक प्लस एक, यानी कि एक्स प्लस 2। एक एक जोड़ते जाते हर संख्या में, तो अगला पूर्णांक आ जाएगा। इन्हें किन्हें तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 एवं 4 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक अब बन गया 2x, दूसरा पूर्णांक 3x + 3, 3 इससे भी गुणा होगा, इससे भी, और 4 गुणा तीसरा पूर्णांक 4, चलो ऐसा कर लो ताकि आपको सुविधा रहे, (x + 2) तो ये हो गया 3x + 3 और ये हुआ 4x + 8। प्रश्नानुसार प्रश्न ने हमसे क्या कहा है? इनका योग 74 है। यस, तो इनका योग करिए, अर्थात 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 74। तो चर-चर एक तरफ और अचर-अचर एक तरफ। दाल के डब्बे में दाल डालनी है, चीनी के डब्बे में चीनी। आपके घर में 2 गाय और 1 भैंस है, आप कृषक परिवार से। शाम को आपके फादर 1 गाय और ले आए, तो आप कितने मवेशी हो गए?
तीन गाय और एक भैंस। अगले दिन तीन भैंस और खरीद लाए, तो तीन गाय चार भैंस, गाय में गाय जुड़ेगी, भैंस में भैंस जुड़ेंगी। आपके घर में पांच एप्पल है और आज आपके पापा तीन एप्पल और खरीद लाए, तो कितने हो गए? आठ एप्पल। पांच एप्पल है और छह संतरे और ले आए, तो कितने एप्पल हो गए? आप बोलेंगे पांच एप्पल छह संतरे। ऐसे ही चर का एक साथ और अचर का एक साथ जोड़ बाकी करना है, तो कीजिए 2x और 3x, 5x और 4x, ये जुड़ेंगे। देखो ये मैं कनेक्शन कर रहा हूं, ये जुड़ेंगे, ये सब चर पद है। तो लिखेंगे 2x और 3, 5x और 4, 9x प्लस संख्या संख्या जोड़ो, खाली जो संख्या रह गई 11 बराबर 74। अब क्या करेंगे, 11 को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाना मतलब पक्षांतरण। 74 माइनस 11, ये हमने किया पक्षांतरण। जो भी संक्रिया करें वो जरूर लिखें। तो 9x बराबर 63, इसे स्टेप डाउन का निशान कहते हैं। इसकी जगह आप या भी लिख सकते हैं, या यहां पर आप या भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में और लिख सकते हैं। तो क्या आया, 9x बराबर 63, इसलिए x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 9 यहां क्या हो रहा है, गुणा 63 बटा 9, 9 7 63। तो आपका उत्तर 7 नहीं है, x का मान 7 है, तो आप लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक क्या है, अपना पहला पूर्णांक x 7, दूसरा पूर्णांक क्या है बच्चों, x प्लस 1 यानी कि 8, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 यानी कि 9। यही हमारे उत्तर है। अब मैं आपको उत्तर की जांच करना और सिखाता हूं। उत्तर की जांच आप समीकरणों के प्रत्येक सवाल में कर सकते हैं। पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करो, 7 गुणा 2 क्या आया, 14। तीसरे पूर्णांक को दूसरे को 3 से करो, 8 किया 24, और तीसरे को 4 से करो, 9 चौक 36, ये मान आपका 74 आना चाहिए। हमारा उत्तर सही है। अब अगला प्रश्न है, समीकरण में जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे आप चलते जाए, जो अच्छा चीज है, जो सॉरी चर चीज है उसको आप, जो चर दिया हुआ है उसको आप एक्स मानो। राहुल और हारून की आयु का अनुपात 5:7 है। पहले तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि गणित में, अंक गणित में या गणित में संख्याओं को निरूपण, संख्याओं का निरूपण कई तरीके से कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं का। यह कहलाता है दशमलव रूप। क्या कहलाएगा? दशमलव रूप। यह कहलाएगा भिन्न रूप, यह कहलाएगा प्रतिशत रूप, सॉरी यह है अनुपात रूप, यह अनुपात रूप, यह अनुपात रूप, यह भिन्न रूप, यह प्रतिशत रूप, और ऐसे ही 5/7 का भाग देंगे तो आ जाएगा दशमलव रूप। तो अनुपात रूप, भिन्न रूप, दशमलव रूप और प्रतिशत रूप, ये चार तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का इन चार तरीके से निरूपण कर सकते हैं। तो आपको ये अगला सवाल आनुपातिक रूप में दिया हुआ है। 5:7 का मतलब पहले तो अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, इसका मतलब कभी भी 5 और 7 नहीं है। 5:7 का मतलब 5 और 7 भी हो सकते हैं। राम के पास 5 रजिस्टर और शाम के पास 7 रजिस्टर, तो अनुपात हो गया 5:7। राम के 50 नंबर, शाम के 70 नंबर, तो भी अनुपात 5:7 हो गया। 50:70 का सरलतम रूप 5:7 है। राम की जेब में 500 रुपए, शाम की में 700, तो भी 5:7 हो गया। इनको कहते हैं तुल्य भिन्न।
आप सात से दोनों को गुणा कर दो, सात पंजे 35 और सातु सातु 49, इसका भी अनुपात 5:7 हो। तो 5:7 किसी इतनी दो संख्याओं का सरलतम रूप है, इसलिए ऐसे सवालों को जो अनुपात के हैं उनमें आप हल करते समय कोई ना कोई चर अवश्य लगाए। जैसे अब आपको दिया हुआ है राम और श्याम की आयु का अनुपात, सॉरी राम और श्याम नहीं, राहुल और हम, राहुल राहुल और हारुण, राहुल एवं हारुण की आयु का अनुपात 5:7 है, अतः माना जब कभी भी आयु के सवाल हो तो आप वर्तमान शब्द को काम में ले, वर्तमान आयु, और जब कभी भी चाल के सवाल हो, रेल की चाल, बस की चाल, कार की चाल, तो आप औसत ले कि इसकी औसत चाल ये है। तो माना राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी बच्चों, 5 का कोई गुणक, एवं हारुण की वर्तमान आयु 7x, हो गया 5:7। ये कह रहे हैं 4 वर्ष बाद, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके अभी उम्र क्या है, आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, आपके अभी उम्र क्या है, मान लीजिए 12 साल, 4 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 16 साल, 4 साल पहले कितने साल के थे, 8 साल, घटा देते हैं पहले वाले को, बाद वाले को जोड़ देते हैं, अधिक वाले को जोड़ देते हैं, कम वाले को घटा देते हैं। आपके पापा आपसे 25 साल बड़े हैं, पापा की उम्र क्या हुई, 12 में 25 जोड़ दो, 37 साल। आपका छोटा भाई आपसे 6 साल कम है, 12 में से 6 को घटा दो, 6 साल, आए समझ में, कम को घटाएंगे अधिक को जोड़ेंगे। बाद वाली उम्र बोलेगा तो जुड़ेगी, और पहले वाली उम्र बोलेगा तो घटेगी। तो 4 वर्ष बाद ये तो हमें शर्त दे रखी है, बताइए राहुल की आयु क्या हो जाएगी, राहुल की आयु, आप क्लास में बच्चों से ये सवाल पूछेंगे कि राहुल की आयु 5x है, 5x वर्ष, और हारुण की 7x वर्ष है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, कोई बोलेगा 9x, कोई बोलेगा 9, गलत, बिल्कुल गलत, दाल के डब्बे में दाल और चीनी के डब्बे में चीनी, 5x चर राशि है और 4 एक अंक है, अचर राशि है, चर और अचर परिमेय और अपरिमेय कभी नहीं जुड़ेंगे, नेवर, तो इसलिए इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, 5x में 4 जोड़ देंगे, वर्ष ब्रैकेट लगाएं, ठीक, और 4 वर्ष बाद हारुण की आयु, अब बताइए आप सही बताना, इस बार हारुण की आयु 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, वेरी गुड, 7x+4 वर्ष, राइट। अब इसमें शर्त दी हुई है कि दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है 4 वर्ष बाद, तो 4 प्रश्नानुसार, आप यहां ये शब्द जरूर लिखे, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जोड़िए क्या हो जाएगा, 5x+4 7x+4 बराबर कितना दे रखा है इसने, 56,
अब बताइए इनका टोटल कैसे करेंगे? सजातीय पदों को जोड़ेंगे। बार बार कह रहा हूं, हजार बार कह रहा हूं, और जब तक पढ़ाऊंगा कहता रहूंगा, दाल के डब्बे में दाल, चीनी के डब्बे में चीनी, चर के साथ चर को जोड़ो, और वो भी सजातीय होना चाहिए। पांच और सात बार आए, सजातीय हो, समान घात का हो, तभी जुड़ेंगे। और चार और चार आठ, बराबर छप्पन। इसलिए 12x बराबर 48, 56 में से 8 घटाए, पक्षांतरण कर रहे हैं, 48 ये हमने किया पक्षांतरण। तो देखिए क्या आएगा, 12x बराबर 48, इसलिए x बराबर 48 बटे 12 4। अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितनी थी, 5x, तो 5 × 4 20 वर्ष, और हारून की वर्तमान आयु 7 × 4 28 वर्ष। ठीक है, सही सवाल दसवां है, वो आप फ्रेम करें। दसवां और बारवां क्वेश्चन नंबर, दसवां और बारवां होमवर्क HW में कर लेना, क्योंकि ग्यारहवां सवाल मैं कराऊंगा और दसवां और बारहवां बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। हिंट दसवें के लिए, बालक और बालिकाओं का अनुपात, बालक और बालिकाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 7:5। तो आप बालकों को तो मान लेंगे 7x और बालिकाएं कितनी हो जाएंगी, 5x, राइट। बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, तो किसमें 8 जोड़ेंगे जब बराबर होगा, 7x बराबर इसमें 8 जोड़ेंगे जब बराबर होगा, बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। यह तो हो गया इसका हिंट। और सवाल नंबर 12 का हिंट, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो रवि की आप वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, x, वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, x, 15 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, बताइए, अभी भी बताया था x प्लस 15, और प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद की आयु यानी कि x प्लस 15 वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। 12 तक सवाल आप करके लाएंगे, 11वां सवाल पेंडिंग है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। हर सवाल को आपको करना है, एक ही रजिस्टर बनाना है, कोई होमवर्क नहीं, कोई क्लास वर्क नहीं, और जब कभी भी आप अपने सवाल पूछें तो मोबाइल पर जो व्हाट्सएप भेजते हैं उसमें अपना नाम दें कि मेरा नाम ये है, कक्षा लिखें कि मेरी कक्षा ये है, और सवाल लिखें कि इस प्रश्नावली का ये सवाल बता दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, सर प्रश्नावली 2.3 का 8 सवाल कैसे होगा, अरे कौन सी क्लास के बच्चे हो आप, ये तो बोलो भाई, आपके नंबर मेरे पास सबके सेव नहीं है, पूरे स्कूल के, ये सभी लोगों के, इसलिए आप लोग अपना नाम लिखें, कक्षा लिखें, प्रश्नावली लिखें, फिर सवाल भेजें। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। घर पर रहे, स्वस्थ रहे और सुखी रहे।